किस जाति की हैं? एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं, जिनका जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो राज्य के यूक्लिड शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम सुनीता पंड्या कृष्णन विलियम्स है। सुनीता के पिता दीपक पंड्या भारतीय मूल के थे और उनकी माता बोनी पंड्या स्लोवेनियाई मूल की अमेरिकी थीं। सुनीता की शिक्षा दीक्षा अमेरिका में हुई है। उन्होंने 1983 में नेवी अकादमी से स्नातक किया और इसके बाद फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की। सुनीता विलियम्स ने 1987 में अमेरिकी नौसेना में शामिल होकर अपनी सेवा शुरू की। उन्हें हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया और कई महत्वपूर्ण अभियानों में भाग लिया। नौसेना में रहते हुए सुनीता ने कई चुनौतियों का सामना किया और अपनी कार्य क्षमता के अनुसार उन्होंने जल्द ही एक उत्कृष्ट पायलट के रूप में पहचान बनाई। उन्होंने लगभग 30 विभिन्न विमान उड़ाए हैं और उनके पास 3000 घंटे से अधिक की उड़ान का अनुभव है। 1998 में सुनीता विलियम्स को नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयनित किया गया। उन्होंने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा 9 दिसंबर 2006 को शुरू की, जब वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन STS-116 के तहत रवाना हुई। इस मिशन के दौरान उन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहकर एक महिला द्वारा सबसे लंबा अंतरिक्ष प्रवास का रिकॉर्ड बनाया। इस दौरान उन्होंने 4 अंतरिक्ष यात्राएं की और कुल मिलाकर 29 घंटे और 17 मिनट तक अंतरिक्ष में बिताया। सुनीता विलियम्स ने 2012 में एक और अंतरिक्ष मिशन में भाग लिया। इस बार उन्होंने मिशन एक्सपेडिशन 3233 के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन की कमान संभाली। इस मिशन के दौरान उन्होंने 3 और अंतरिक्ष यात्राएं की और कुल मिलाकर उनका अंतरिक्ष बिताया गया समय 322 दिन हो गया, जो कि एक महिला अंतरिक्ष यात्री के लिए एक और रिकॉर्ड था। इसके अलावा सुनीता के पास महिलाओं द्वारा किए गए सबसे अधिक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड भी है, जो उनके अद्वितीय साहस और समर्पण को दर्शाता है। सुनीता विलियम्स को उनके अद्वितीय योगदान के लिए कई बार पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। उन्हें भारतीय और अमेरिकी समुदायों के बीच एक प्रेरणास्रोत के रूप में देखा जाता है। उनकी कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, चाहे वह कोई भी पृष्ठभूमि हो। सुनीता ने अपने जीवन में कई बाधाओं को पार किया और अपने अथक प्रयासों और दृढ़ संकल्प के बल पर अंतरिक्ष विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुनीता विलियम्स का जीवन और कार्य हमें सिखाता है कि अगर हमारे पास संकल्प और समर्पण हो तो हम किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। उनकी कहानी न केवल महिलाओं के लिए बल्कि पूरे मानव जाति के लिए प्रेरणादायक है। सुनीता विलियम्स का संबंध गुजरात के गुजराती ब्राह्मण परिवार से है। उनके पिता दीपक पंड्या भारतीय मूल के एक ब्राह्मण हैं जो गुजरात से अमेरिका जाकर बसे थे। ब्राह्मण समुदाय में जन्मी सुनीता विलियम्स ने भारतीय मूल की अपनी पहचान को कभी नहीं भुलाया और अपने नाम में पंड्या को शामिल कर अपनी भारतीय जड़ों का सम्मान किया। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि सुनीता विलियम्स जैसी महान शख्सियतों के योगदान को उनकी जाति या पृष्ठभूमि से नहीं बल्कि उनके अद्वितीय कार्य और उपलब्धियों से आंका जाना चाहिए। उनका जीवन उन मूल्यों और आदर्शों का प्रतीक है जो जाति और धर्म की सीमाओं से परे हैं।